प्रस्तुत है वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान हैं एक ट्रेवलर और यूट्यूबर। मेहदी मारा पैसे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें एक ट्रेवलर और एक यूट्यूबर के रूप में जानते हैं। डॉक्टर मेहदी मारा अपने आप को एक फेसबुक लाइव स्ट्रीमर भी कहते हैं। तो क्या है डॉक्टर से एक यूट्यूबर बनने की कहानी, जानेंगे खुद डॉक्टर मेहदी मारा की जुबान से। डॉक्टर मारा, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू हमको आपका स्टूडियो में बुलाने के लिए। फर्स्ट टाइम स्टूडियो में, हम बहुत अच्छा लगा। शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। हम आपके बचपन के बारे में थोड़ी बहुत जानना चाहेंगे। बिलोंग करता है मैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट और रिमोट इलाका जो लिमिकिंग जैसे जगह में। जब हम था स्कूलिंग समय में, मेरा वहाँ पे रोड कम्युनिकेशन नहीं था। लिमिकिंग रिसेंटली रोड पहुँचा है लिमिकिंग ताकसंग में, वो नियर चाइना बॉर्डर पर पड़ता है, जो चाइना बॉर्डर से लगभग 30 किलोमीटर पर मेरा घर पड़ता है। हम स्कूलिंग लेट स्कूलिंग किया, और जो मेरा स्कूलिंग का करियर में अच्छा स्कूलिंग नहीं किया गया, क्योंकि मैं क्लास 8 तक बस्ती से जैसे तैसे पास आउट करके तब हम टाउन में आया, दापुर जो टाउन में आके पढ़ाई किया। और ऐसे होने का कारण से मेरा बस्ती में ज़्यादातर लाइफ, मैक्सिमम लाइफ बस्ती में गुजरने का कारण से मेरा इंग्लिश और हिंदी ये सब इतना ठीक नहीं, इसलिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहेगा आपसे। तो जैसे अभी आपने कहा कि इंग्लिश और हिंदी इतना ठीक नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि लैंग्वेज में परफेक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं, परफेक्टली कम्युनिकेट करना इम्पोर्टेंट है, और हम जानते हैं आप बहुत परफेक्टली कम्युनिकेट करते हो। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ और बात ऐड करना चाहता है कि एक्चुअली मेरा स्कूल बैकग्राउंड का बारे में, मेरे स्कूल में सिर्फ बस्ती में जो दो टीचर हुआ करता था, एलपी सिंह और कुमार सर, वो दोनों हुआ करता था। सिर्फ दो टीचर मेरा हुआ जो के साथ में हम पढ़ाई किया है, बाकी सब्जेक्ट में पढ़ाया ही नहीं जाता था। और सिर्फ क्या बोलता है, साइंस और मैथमेटिक्स को बस्ती में सिर्फ पढ़ाया जाता था उस समय में। अभी फिलहाल क्या होगा, बहुत दिन हो गया हम बस्ती नहीं गए। आपकी जो स्कूलिंग हुई है बहुत देर से हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि आप आज एक डॉक्टर हैं, तो इससे मालूम चलता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग भी होंगे। तो डॉक्टर मरा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन आप यूट्यूबर बन गए, इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं यूट्यूबर मेरा बनने का मतलब है, मेरा बचपन से जो ट्रैवलिंग करने का शौक़ था। मैं जो दापुरजो में, जब हम क्लास 8 में दापुरजो में पढ़ाई शुरू किया, तब से लेके मैं जैसे उस समय में ट्रांसपोर्टेशन का अभी का जितना है इतना ठीक नहीं था, तब उसमें हम जाता था ट्रक में, जो लखीमपुर से होके किमिन से होके या तो शिलापत्थर से होकर जाता है, उसी ट्रक में जाके मैं असम को पूरा एक्सप्लोर किया। इसलिए मैं असम का छोटा छोटा पार्ट, जैसे असम का गोपुर, लीलाबुरी एयरपोर्ट, जो मिशिंग बस्ती, वहाँ का लोग मेरा जान पहचान बहुत है बोडो बस्ती में, क्योंकि मैं बहुत दिन वहाँ गुजरा है मेरा बचपन में। ट्रेवलर की बात बाद में करेंगे, आप डॉक्टर बनने की कहानी को भी या उसकी बात को भी थोड़ी सी जानना चाहेंगे कि आप किस तरह डॉक्टर बने। डॉक्टर तो एक्चुअली मैं एक पायलट बनना चाहता था, पायलट नहीं तो एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। वो मेरा जो स्टूडेंट का जो स्कूल के करियर में मैं ऐसे कब रखता था, लेकिन वो नहीं बन पाया। एनडीए एग्ज़ाम दिया है तो मेरा एज थोड़ा सा हमसे ज़्यादा हो गया, हम रिजेक्ट हो गए एनडीए एग्ज़ाम के लिए, और जो आर्मी में जो के लिए, तब ऐसे हुआ है तो मैं डॉक्टर के जो एग्ज़ाम दिया है ऑल इंडिया नीट एग्ज़ाम, अभी नीट एग्ज़ाम बोल नीट पीयूजी एग्ज़ाम बोलता है, उसी एग्ज़ाम में मैं देके 2013 14 बैच में मैं ऑल इंडिया एसटी में 104 रैंक में मिलके मैं मेडिकल कॉलेज में इनरोल किया। और मैंने इनरोल करने का मतलब कि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड ये सब ठीक नहीं, लेकिन मेरा मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था, अभी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और मेरा मैथमेटिक स्किल, मैथमेटिक और फिजिक्स केमिस्ट्री और जो कैलकुलेशन में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसी का कारण से मेरा मीन्स सफलता रहा है, अदरवाइज मेरा लैंग्वेज जैसे मैं थोड़ा कमजोर है। जैसे अभी आपने कहा कि आप बचपन में फौजी बनना चाहते थे या तो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन आप बन गए डॉक्टर, तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस प्रोफेशन से? डॉक्टर से मैं सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं पब्लिक को सेवा कर सकता है, किसी भी पब्लिक मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी जाता है, मीन्स हम पब्लिक को जहाँ पे सेवा कर सकते, जैसे कि डॉक्टर विदाउट बॉर्डर बोल के जो उसमें जो एनजीओ ग्रुप है, उसी में भी जाके मैं बहुत सेवा भी किया लोग को, जहाँ में जैसे मेडिकल कैंप जो इंजेक्शन लगाना होता है, या जहाँ में जाके लैंग्वेज का जरूरी नहीं पड़ता है, जो हम स्किल से काम करते हैं, उसी जगह में मैं किया है, बहुत काम किया है, मीन्स कुछ दिन काम कर दिया है, बहुत सालों तो नहीं है। लोगों की बात करें तो आज लोग आपको एज अ यूट्यूबर ज्यादा जानते हैं, वो बहुत ही कम जानते होंगे कि आप प्रोफेशनली एक डॉक्टर हैं।
हाँ, लोग बहुत कम जानता है क्योंकि मैं डॉक्टर में सिर्फ हम जूनियर डॉक्टर था, एज जूनियर था, ट्रिम्स में ड्यूटी करता था। लोग हमको बहुत कम जानता है क्योंकि मैं सोशल मीडिया में ज़्यादातर फेसबुक पेज में लाइव स्ट्रीमिंग करता है, इसलिए लोग हमको एक यूट्यूबर का नाम से जानता है क्योंकि बहुत जगह में ट्रैवल करता है, हर बस्ती बस्ती में टूर करता है, इसलिए लोग हमको जानता है। एज ए यूट्यूबर की बात करें तो हम जानते हैं कि आपने बहुत सारे एशियन कंट्रीज को विजिट किया, ट्रैवल किया है, तो इस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं बहुत एशियन कंट्री में, पूरा एशियन कंट्री को मैं पूरा ट्रैवल ऑलमोस्ट टूर कर चुका है, नॉर्थ कोरिया को छोड़ के। तो उसी में मेरे ट्रैवल में ये एक्सपीरियंस कि एशियन कंट्री में हमारा स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और नेपाल, नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम, ये कॉन्टेक्स्ट में एशियन और कंट्री और इधर में इतना डिफरेंट नहीं है क्योंकि जो एशियन, जो साउथ ईस्ट एशिया का लोग है, हम लोग जैसे होता है कल्चर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ भाषा का थोड़ा अंतर पड़ता है, बाकी बात हम लोग का सेम होता है। इसलिए हम लोग जो बाहर ट्रैवल करता है, जो साउथ ईस्ट एशिया में या तो कहीं ट्रैवल करता है, हम लोग को कुछ दिक्कत फेस नहीं करना पड़ता है क्योंकि कोई नहीं पूछता है, हम वहाँ का लोकल ही समझते हैं। हम जब बात करते हैं तभी हमको वो लोग फॉरिनर है सोचते हैं, नहीं तो हम यूजली ऐसे घूमता है तब वो लोग लोकल समझ के हमको, कोई भी वहाँ का भिखारी होता है, तो बेघर लोग हर जगह में, दुनिया में हर कंट्री में होते हैं, वो लोग इतना डिस्टर्बिंग नहीं करता है लोकल समझ के। फिर भी जब हम भारत की तुलना इन देशों से करें तो आप क्या अंतर पाते हैं, क्या डिफरेंसेस पाते हैं? हमारा भारत की तुलना में बोलेगा तो हमारा भारत में जो लोग पेशेंट नहीं है, और एक पेशेंट नहीं और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता, और रूल एंड लॉ को कम लोग फॉलो करता है क्योंकि बाहर में आप ट्रैफिक रूल बोलो और साफ सुथरे का बोलो, बहुत वो लोग अच्छा मेंटेन करता है। और फॉर एग्जांपल आप ले कि लाओस एक छोटा सा कंट्री है, लाओस का नेशनल कैपिटल है बैंटिन, उसमें रात को इतना बड़ा मार्केट लगाता है, मार्केट लगाने के बाद सुबह होते ही उसका थोड़ा भी गंदा नहीं रहता, एकदम साफ सुथरा रखता है, लेकिन हमारे इधर में साफ सुथरे में इतना ध्यान नहीं देता है जो लोग, उसको हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेगा क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें 100% हाथ नहीं, हम पब्लिक का गलती है क्योंकि हम लोग का कम अवेयर का कारण से ये सब नहीं हो पाता है। आपने ऑलमोस्ट सारे एशियन कंट्रीज को विजिट कर चुके, ट्रैवल कर चुके एज ए यूट्यूबर, फिलहाल तक आपको सबसे अच्छा देश कौन सा लगा, तो आप क्या कहेंगे? सबसे अच्छा देश बोलेगा तो हमारा ये जो वियतनाम एक अच्छा देश है साउथ ईस्ट एशिया में, और थाईलैंड एक अच्छा देश है। पर भी अलग अलग लोग का नज़र, जो आदमी देखने का जो तरीका होता है, दो तरफ का तरीका, कोई चश्मा लगा कर देखता है तब उसका उस एंगल में देखेगा तो लोग दूसरा के खराब होता है, लेकिन दूसरा एंगल से चश्मा को हटा के हम देखेगा तो वो अलग होता है। इसलिए हम थाईलैंड अच्छा है, वियतनाम भी बहुत अच्छा कंट्री है, वो दो कंट्री हमको अच्छा लगे, लेकिन बाकी कंट्री में भी ठीक ही है, लेकिन पर वहाँ में हम बोलेगा कि अच्छा है, लेकिन जैसे हम जापान, कोरिया, ताइवान और सिंगापुर जैसे एक बात करेगा तो उसमें कंट्री तो डेवलप है लेकिन वहाँ में एक्सपेंसिव ज़्यादा का कारण से मैं अच्छा है, लेकिन वो लोग हम मेरा इतना प्रेफरेंस नहीं देगा, हम थाईलैंड और वियतनाम को लेगा क्योंकि उसमें जगह भी साफ सुथरे ठीक है और प्राइस भी रिजनेबल है, हमारा इंडिया जितना प्राइस है इतना में वहाँ में आराम से हम मीन्स इंडिया से कम दाम में भी हम ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि जगह वियतनाम भी अच्छा जगह है और थाईलैंड दो जगह बहुत अच्छा जगह है। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, हम विदेशों में जाते हैं तो क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज होता है सेम नहीं होता है, कुछ लैंग्वेज बैरियर्स आपको कुछ फेस करना पड़ा? लैंग्वेज बैरियर तो होता है लेकिन जब हम ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग बजट में ट्रैवल करते हैं, तब हम बजट में ट्रैवल करते हैं तो हम प्रेफरेंस करते हैं हॉस्टल में, दो टाइप होते, एक हॉस्टल होटल होम स्टे होता है, उसके बाद कैंपिंग कर सकता है, हम हॉस्टल में प्रेफरेंस देते हैं। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में हॉस्टल में सिंगापुर और मलेशिया को छोड़ के ज़्यादातर हॉस्टल में ज़्यादातर 250-300 रुपया में पर नाइट में स्टे मिल जाता है, इसलिए हम लोग के लिए बहुत चीप रिजनेबल प्राइस बन जाता है। तब ऐसे होने के कारण वहाँ में जो हॉस्टल का जो ये होता है, जो लोग इंग्लिश आता है हॉस्टल में, जो रिसेप्शन में जो लोग बैठे मैनेजर बैठे हो वो लोग को इंग्लिश आता है, इसके बाद मोर ओवर आप ट्रांसलेटर भी ले सकते हैं, एक आजकल ट्रांसलेटर डिवाइस भी है लेकिन मैं यूज नहीं किया, लेकिन हम साउथ इंडिया में तमिलनाडु में पढ़ाई किया है, मेरा मेडिकल कॉलेज वहाँ से की डिग्री किया है, इसलिए मेरा लैंग्वेज को हम इशारा इशारा में बात करने का आदत हो गया, इसलिए हमको कहीं भी कंट्री में इतना लैंग्वेज का इतना बैरियर महसूस नहीं हुआ है, जैसे जैसे चल जाता है। जब ट्रैवल करते हैं हमारा जो बजट होता है, जो फाइनेंस होता है, या तो हम कहें कि जो रुपये पैसे की बातें होती है, तो हम जानना चाहेंगे कि बहुत ही कम पैसे में किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं? हाँ, हम दूसरा को समझाते हैं, हाँ हम विदाउट पैसा से ट्रैवल करते हैं, लोग में स्ट्रीमिंग में भी बताते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसे हम देखा जाए तो विदाउट पैसा से ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। विदाउट ट्रैवल में आपको जो कंट्री में आप इंटर करना चाहेगा तो उसी कंट्री में आपको परमिट चाहिए होता है, इसको बोलते वीजा ना, वीजा, इसके लिए आपको पैसा होना पड़ेगा, तब वो भी वीजा पैसा को क्या बोलता है आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड में एंट्री के लिए वो अगर 2000 टाई बात, 2000 टाई बात मीन्स आपको ये लगेगा इंडिया करेंसी में 4000,
जापान में 3,800 लगता है, मलेशिया में भी 3,700 ऐसे कुछ है, वियतनाम में टू। तो वो कंट्री टू कंट्री पर डिपेंड करता है आपका वीजा पे। वो ऑफिशियल प्रोसीजर तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि बिना वीजा से नहीं जा सकता है। उसमें हम बात वो बेसिक वीजा का पैसा तो आपको होना पड़ेगा, लेकिन वहाँ में एंट्री करने से आपको मिनिमम बजट में आप ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस लेना है हॉस्टल, और आप फूड वर्क ज़्यादा करना है, और फूड वर्क करना है और हिच हाइक करना है। जैसे हम हनोई से हम दारिक ये सब मलेशिया तो हिच हाइक किया है, ऐसे हिच अरुणाचल में कोई ऐसे हिच हाइक कोई नहीं किया, हम हिच हाइक किया है। हिच हाइक कर सकता है क्योंकि दुनिया में 90% लोग अच्छा होते हैं, सिर्फ 10% लोग खराब होते हैं। हम इसके बाद जो बजट में आप ट्रैवल करते हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप अगर टाइम ज़्यादा देखें, आप शॉर्ट टाइम में जैसे कि आप सिंगापुर में दारिक एक सप्ताह के लिए घूमने जाएगा, आपका पैसा खर्चा बहुत ज़्यादा जाएगा, या आप बैंकॉक एक सप्ताह के लिए जाएगा, उसमें दो सप्ताह के लिए वहाँ में शॉर्ट टाइम में जाएगा तो आपको पैसा खर्चा ज़्यादा होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा टाइम टेकन होगा तो कम पैसा खर्चा होगा। जैसे कि आप उसमें बहुत सारा वेबसाइट एजेंट है, आप उसके जरिए आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आप मान सकते हैं उसमें आप अपना स्किल जो भी एनी स्किल आप कंस्ट्रक्शन काम का स्किल है, और आपका जो का आप डॉक्टर है या आप नर्सिंग है या आप टीचिंग में है या आप अच्छे से बोल सकते हैं, आप वो बल उसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन करके वहाँ में रिक्वेस्ट भेजना है। रिक्वेस्ट भेजने से वो लोग आप जब एक्सेप्ट करेगा आपको वो लोग जो वहाँ का जो लोग जो आपको प्रोवाइड करेगा, होस्ट प्रोवाइड करेगा, मैंने आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा आपका होस्ट जो, फिर हम उसके बदले में सर्विस देगा। जैसे हम होटल रिसेप्शन में भेज देना, या हम किसी का न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में घर को बिता देना एक महीना के लिए, और है आपका फिर आप किसी एनजीओ में जाके जहाँ में होमलेस लोग को मदद करना, मेडिकल केयर करना या नर्सिंग केयर करना, और किसी एनजीओ जो ओपन स्कूल में आप टीचिंग करना, तब उसमें आपका टाइम टेकन तो जरूर होता है, लेकिन आपका तो फिर आपका उसी में बैठ के आप एक दो महीना बैठ के आप पूरा जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरा एक मेथड है उसमें कोच सर्फिंग बोलते हैं, वो फेसबुक टाइप का होता है कोच सर्फिंग। उसमें आप एक रजिस्ट्रेशन करना है, इसके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फ्रेंड लिस्ट कुछ भेजना है, आप होस्ट मांगता है, तब आप वो होस्ट देगा तो एक्सेप्ट करेगा, तो फिर वो होस्ट को आप ये लेकर आपको एक्सेप्ट करेगा, तब वो उसके घर में रह सकता है दो तीन दिन के लिए। हमको रहने और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पैसा खर्चा होता है ट्रैवल में, लेकिन वो दो चीज़ हो गया तो खाने पीने में इतना पैसा खर्चा नहीं होता है। और लास्ट वो है वन है कम बजट में आप ट्रैवल करने के लिए आपको कैंपिंग कर सकते हैं। कैंपिंग करके आप अपना टेंट, हम हमेशा टेंट ले जाते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम हो जाते हैं कैंपिंग लगा सकता है, और किसी से पूछ के या होटल का बाहर भी लगा सकता है, और टेंपल में आप रह सकता है। ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आप बैठने जगह ना, कहीं इमरजेंसी पास गया आप टेंपल गुरुद्वारा, मलेशिया में बहुत में हम इसे गुरुद्वारा में सोया था, गुरुद्वारा टेंपल, और उसमें हमारा बहुत सारा है, उसमें आप आराम से सो सकते हैं, उसमें आप कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगा जी। तो आपने तो बहुत ही ब्रीफ में किस तरह से कम बजट में घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं बताया। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी को इन ऐसे देशों में घूमना हो तो क्या क्या ऐसे चीज़ें जो डूज एंड डोंट्स हैं। सबसे पहले आप किसी फॉरेन कंट्री में जो विदेशी में आप जाता है तो वो मेरा जो होता है हमारा कंट्री से, हमारे देश से, इंडिया से रूल रेगुलेशन वहाँ का सिस्टम अलग हो जाता है, वहाँ का गवर्नमेंट अलग हो जाता है, वहाँ रूल एंड लॉ अलग होता है। इसके पर सबसे पहले वहाँ का देश का कानून को आप रिस्पेक्ट करना है, वहाँ देश का मानना है, कानून का उल्लंघन नहीं करना है। वहाँ का लोकल का कल्चर और लोकल का कल्चर कुछ होता है कल्चर रिलीजन जो सीक्रेट चीज़ है उसको आप रिस्पेक्ट कर देना है, वो चीज़ को आपको होना पड़ेगा, आपको कर देना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ में जाके जो ऐसे हरकत करता है गलत हरकत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बाहर में जब ट्रैवल करता है तो हम इंडियन पासपोर्ट में ट्रैवल करता है, इंडियन पासपोर्ट में ट्रैवल करता है तो मैं इंडियन का एक ब्रांड एम्बेसडर होता है, हम एक ब्रांड इंडिया को रिप्रेजेंट कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए वो चीज़ हम जब कंट्री की इमेज खराब हो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। जब आप पास्ट को याद करते हैं, पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशियन की बात करते हैं, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट जो बहुत ही मेमोरेबल रहा हो। ऐसे तो टूर आप कहीं भी कंट्री में जाता है या इवन अपना जगह में भी, उसमें दो टाइप का होता है, आप एक डार्क साइड भी होता है। आप कहीं भी जाते हो तो आपका एक डार्क साइड होता है, और डार्क साइड को यूजली हम लोग नहीं बताता है क्योंकि लोग डिमोटिवेट हो। जैसे कि हम बाली में मेरा बैग चिन्हने के लिए कोशिश किया, हमको जैसे देखा कि लड़की का पोतो जो दिखाता है लोग, ये लड़की को ये लड़की चाहिए बोल के ज़्यादातर उसमें ट्रैप बनाता है, लड़की पोतो दिखाता है सुंदर सुंदर लड़की का पोतो दिखाता है, तब वो दूसरा लोग बैग को चिन्ह कर भाग जाता है। ये बाली में स्पेशली जो बाली का जो बाली 2000 का जो
वो बुमबला साइड, वो जो मेमोरियल साइड में, उसमें सबसे अच्छा टूरिस्ट जगह है, मीन्स टूरिस्ट का भीड़ जगह, उसी में इस पर दिन को नहीं होता, रात को बहुत इसे होता है, आपको मोबाइल स्नैचिंग, पर्च चिन्ना आपके लिए वो कॉमन है बाली में, इंडोनेशिया, बाली दुनिया का सबसे फेमस जगह, लेकिन इसे होता है। लेकिन थाईलैंड में भी कुछ कुछ जगह में आपको होगा, कहीं भी कंट्री में जाओ ये कॉमन होगा। और वन मोर थिंग, उसमें जो कंबोडिया में, फेनोम पेन में, कंबोडिया में भी बहुत सारा कॉमन है ये सब करना। और दूसरा थिंग हमको लाओस में, वो मेरा सबसे ट्रेवल में जो सबसे हुआ है, मैं 8 घंटा जेल में बैठे और लाओस के कंबोडिया बॉर्डर में, तब हम जो कंबोडिया का से हम पेनोम पेन से स्ट्रांगस्टेन सिटी आया, हिच हाइक करके स्ट्रांगस्टेन सिटी से हमको एक हिच हाइक करके एक एम्बुलेंस मिला है, तब एम्बुलेंस वाला हमको ले गया था, तो हमको हमें स्ट्रांगस्टेन सिटी का लाओस कंबोडिया बॉर्डर में पहुँचाया है। तब पहुँचाया तो हमको उस एम्बुलेंस वाला को अंदर में जाकर बहुत देर बात कर रहा था, हम क्या चल रहा है उसको, तुम्हें इतना क्या बात हुआ, वो लोग आपस में कोई मिला जुला भी होगा। तब ऐसे हो गया तो बाहर निकलने के बाद हमको बोले तुम इलीगल बॉर्डर क्रॉस किए, वहाँ का इमिग्रेशन ऑफिसर जो, तो इसे नहीं कर सकता है बोल के। हम बोले तो हम लोग इंडिया के लिए तो लाओस उन अराइवल है, लाओस का फॉरन एक्सटर्नल अफेयर जो वेबसाइट में लिखा हुआ है बोला है, पर भी वो लोग नहीं माने। हमको अंदर में जगह जहाँ में एक अंधेरा वाला अलग वाला से रूम में ले गया, उसमें ले कर हमको डील करना शुरू है, हमको $300 दे दो बोला है। $300 मीन्स लगभग आपको मान सकता है 21,000 या 22,000, मेरे पास इतना पैसा नहीं है बोला है। तब हमको जाने नहीं दिया है, 8 घंटा ऐसे जेल में रखे। लास्ट में फिर वो ऑफिसर को, नेक्स्ट एक ऑफिसर आया है, पूरा आर्मी ड्रेस पहनता है वहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर लोग, तब हमको आके फिर पूछा है तो $150 में डील पक्का करो। हम मेरे पॉकेट में, मेरे पास $120 है, हमको $150 में बोला था, हम $120 दिया है। तब हमको वीजा स्टाम्प वीजा लगा कर भेजा है। और थाईलैंड और लाओस से क्रॉस करता है और वियतनाम से कंबोडिया आता है या थाईलैंड से कंबोडिया आता है, उसी में आप या इमिग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम फेस कर, आपको वहाँ में बहुत आपको स्कैम बहुत होता है। वो सिर्फ नहीं, आप अफ्रीका कंट्री में बोलो ये स्कैम है, तो आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हो ये तो फेस करना ही पड़ेगा। जी जी, तो आपने जैसे कहा कि जब यादगार मोमेंट्स की बात करें, तो आपने कहा कि सिर्फ पॉजिटिव साइड ही नहीं, डार्क साइड भी होते हैं, और डार्क साइड के बारे में आपने शेयर किया, जो हमारे सुनने वाले वो जो विजिट करना चाहते हैं वो थोड़े से अवेयर हो जाएंगे। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। एज ए यूट्यूबर आपने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कवर कर चुका है, तो इस बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। हाँ, अरुणाचल में मैं पूरा हर डिस्ट्रिक्ट पूरा घूम चुका है, एक एक सर्कल ऐसे बच गया होगा, चौथा मथा सर्कल 95% तो मैं अरुणाचल पूरा घूम चुका है। जैसे अरुणाचल जो ऐसे ही एक जगह है, मेरा जितना ट्रैवल का एक्सपीरियंस है, अरुणाचल एक ऐसे सुंदर जगह है, और अरुणाचल में हर तरफ का आपका जो ये टोपोग्राफिक प्लेस टू प्लेस पूरा चेंज होता है जो, इसलिए अरुणाचल जो को हम एक मान सकते हैं ये एक जैन पुल है। हम क्यों ऐसे जैन पुल है बोलने से, क्योंकि मैं अरुणाचल को उस पार से आकर मेकोंग रिवर को ऊपर तक जो पोंगसाले तक ट्रैवल किया है। ऐसे करने के बाद अरुणाचल में जैसे कि हम लोग को ईस्ट अरुणाचल में तिरप चंगलंग वो लोग पाकताई हिल वो एक डायरेक्ट लाओस थाईलैंड कंबोडिया का लोग का टोपोग्राफी मिल जाता है जी। और इस तरफ से आ जाता है तो फिर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, सियांग नदी, उसमें आने से फिर असम प्लेन में आ जाने से हमारा मेनलैंड इंडिया से कल्चर सेम हो जाता है। और उसके बाद नॉर्थ साइड में जाने से जैसे तिब्बतन कल्चर, चाइना का जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का वहाँ का कल्चर मिल जाता है। वेस्ट में होने से जो हमारा तवांग बोमडिला में जो भूटान का जो कल्चर बहुत क्लोज है जी। और अब वन मोर थिंग उसमें है कि आप जैसे विजयनगर साइड जाएगा, वहाँ में हमारा गोरखा लोग रहता है, बाई लोग रहता है, और वहाँ में लिशु लोग, और लिशु लोग का जो कल्चर है चाइना का यूनान प्रोविंस के में, उसमें कल्चर डायरेक्ट सेम हो जाता है। इसलिए अरुणाचल एक ऐसे कॉम्प्लेक्स कल्चर, एक कॉम्प्लेक्सिटी जगह है, लेकिन ये एक अरुणाचल का सुंदरता भी है। जैसे अभी आपने कहा कि विजयनगर के बारे में कहा, शायद आप उन यूट्यूबर्स में से एक है जो विजयनगर फर्स्ट टाइम गए हैं, तो विजयनगर के बारे में और भी थोड़ी सी जानना चाहेंगे। विजयनगर में जो हम पहले ट्रैवलर है और वीडियो ब्लॉग किया है विजयनगर, सबसे पहले जहाँ पे जब समय रोड नहीं था उसी समय में मैं विजयनगर गया था। और विजयनगर एक सुंदर जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। वहाँ में हमारा दो कम्युनिटी रहता है, एक गुरका है और जो वहाँ का फिर एक लिशु लोग रहता है, लिशु को हम योबिन का नाम से जाना जाता है। फिर गुरका लोग जो मोस्टली एक सर्विसमैन है इंडियन आर्मी में जो सर्व किया वाला जो रिटायरमेंट लोग है, उसमें गुरका का अंदर में गुरका बोल के नाम जो भी है और जो लामा लोग भी है, इसलिए हम विजयनगर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और थोड़ा हमको बहुत कंट्रोवर्सी भी हो गया था जो लिशु भाई लोग के साथ, क्योंकि उस समय में ऐसे भी हुआ था वो हमको कोई नहीं जाता तो अजनबी को देखकर वो डर गया था, हुआ ऐसे बहुत थोड़ा इशू चला है। लेकिन पर वहाँ का लोग, हॉस्पिटलिटी, वो जगह का सुंदरता, स्पेशली वहाँ का विजयनगर प्रॉपर विजयनगर टाउन का में जो है उसमें
वहाँ का जो आईबी का चौकीदार, वो वहाँ में मेरा एक वहाँ में जान पहचान हो गया था, दीफाक गुरका भाई है, लेकिन टाइटल में भूल गया मैं। वो लोग हॉस्पिटल थे, इतना अच्छा था, हमको चिकन ला दिया है, ये सब पूरा कर दिया है। हम एक ऑफिसर जैसे ऐसे महसूस करवा, हम इतना बड़ा आदमी ऐसे हमको महसूस करवाया है विजयनगर में। आपने एज ए यूट्यूबर देखो अपना प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से जो एक टूरिज्म प्रमोशन के लिए भी आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? मैं गया था पासीघाट अलो में चुका, हम पासीघाट और अलो में तो इतना नहीं रुका, मैं चुका और बासर में मोस्टली घुमाए उसमें। हाँ, हमारा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से देखो अपना प्रदेश स्कीम है। इसका मतलब ये है कि एक ट्राइब डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाकर जहाँ पे थोड़ा डेवलप है वहाँ पे जाकर कुछ सीख सकता है, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर में या बिजनेस कैसे प्रमोट करना है, अपना को सेल्फ एंड पर्सनलिटी डेवलप कैसे होना है, इस तरह है। अपना इंटर ट्राइबल के साथ इंटरेक्शन का प्रोग्राम भी मान सकता है और बाहर भी भेजता है। इसलिए ये अभियान को अरुणाचल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से बहुत अच्छा, सबसे वन ऑफ द मोस्ट मीन्स बेस्ट हमको लगा है जो अभियान है। इसके जरिए हम गया था पासीघाट, पासीघाट को देखा, फिर अलो और मेचुकुआ को एक्सप्लोर किया, और बासर में जाकर वहाँ का बासर के ईवी प्रोजेक्ट जो वाटर कंजर्वेशन और पोरिस्को कम्युनिटी बेस में किस तरह प्रोजेक्ट जो कंजर्व किया गया, किस तरह बचाया कर रखा है जो इनडेंजर स्पीसीज को जो ईवी प्रोजेक्ट में उसको चीज़ को जैसे ऑर्किड हो गया, कोई कोई इसमें इनडेंजर स्पीसीज उनको बचा कर रखा है, उनको देखकर मैं बहुत हमको अच्छा लगा वहाँ में जाकर। और मोर ओवर मेरा साथ में था नोक्ते ट्राइब का जो तिरप का लोग, इसलिए हमको दूसरा वो ट्राइब का साथ भी पहले बार ऐसे एक साथ ट्रैवल करने मिला। इसके बाद जो आया हमारा फेमस माली नंटन जो लिकावाली में एक हिंदू टेंपल है, जो हिंदू टेंपल डिस्कवर किया गया था उसमें एक अरुणाचल के एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट है अरुणाचल सिर्फ नहीं है इंडिया का भी। तब उसमें हम विजिट किया, मालीनंदन टेम्पल को देखा, दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। और हमको उसमें देखने के बाद पता चला कि मालीनंदन टेम्पल का जो पत्थर जो यूज किया गया है वो कंबोडिया में एंगरकोर बोल के उसमें लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है कंबोडिया में, उसी का बनावट सेम है। और उसमें इंडोनेशिया में आप योग यकर्ता बोल के एक ऑटोनोमस रीजन है जावा आइलैंड में, उसमें एक दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है बूढ़ बहादुर, इसके बाद एक हिंदू टेम्पल है वहाँ में सुंदर से एक जगह वहाँ में जो एक हिंदू टेम्पल है उसी का बनावट और ये हमारा मालीनंदन का बनावट और पत्थर एक जगह सेम टाइप का यूज किया, उसको जगह मैं हैरान रह गया था वहाँ में जाने के बाद। एज ए ट्रेवलर आपको पूछा जाए कि अभी आपको एक प्लेस का नाम बताना हो अरुणाचल प्रदेश को, तो आप कौन सा प्लेस का नाम लेंगे? सबसे पहले बोलेगा अरुणाचल का प्लेस एक जगह में पर्टिकुलर प्लेस को मैं डिफाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि अरुणाचल का अलग अलग प्लेस का अलग अलग सुंदरता है। जैसे कि दोंग वैली में बेली सनराइज देखने के लिए जो दोंग वैली फेमस है उसके लिए, और विजयनगर भी दोंग वैली टाइप का ही है व्यू। इसके बाद आप मैं चुका जब तो वैली अलग से तंदा और स्नो वैली देखने के लिए। इसके बाद जो हमारा कुरुंग कुमिया करादाडी में आपका ज़्यादातर जो लेपरादा ये सब इस श्याम में देखेगा आपका इको टूरिज्म और जो पैराग्लाइडिंग के लिए पाकिस्तान ये सब अच्छा जगह इस कमिंग उसमें क्यारी सितम जो माउंटेनियरिंग के लिए बहुत अच्छा है। अपर सुबनसिरी में वाटरफॉल देखने के लिए, वाटरफॉल मीन्स जिस टाइप का टूरिज्म जो जिस टाइप का जो चाहिए आदमी को, कोई वाटरफॉल देखना चाहता है तो अपर सुबनसिरी में जा सकता है, बहुत सारा वाटरफॉल है। अगर बेली देखना चाहता है तो मेचुकुआ, अगर थोड़ा पहाड़ और ओल्ड जो आर्किटेक्चर और टेम्पल इस टाइप का कलरफुल जो देखना चाहते हैं तो आप तवांग जा सकते हैं, या आपको थोड़ा सुनसान सुंदर और बेली पहाड़ प्लस विजयनगर और देख जा सकते हैं। और दोंग वैली और अनिनी ये सब सेम टाइप का है। अगर बम्बू ये सब पानी की पेड़ी देखना चाहते हैं तो आप क्या बोलते हैं जीरो जा सकते हैं। और आदमी को हॉस्पिटलिटी मोर हॉस्पिटलिटी और झूमिंग कल्टिवेशन के बारे देखना चाहते हैं तो आप कुरुंग कुमिया करादाडी जा सकते हैं। तो आपने बहुत ही ब्रीफ में बता दिया कि आप अपने चॉइस के हिसाब से आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। डॉक्टर इमरान आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि आज अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत सारे यूट्यूबर्स उभर कर आ रहे हैं, तो क्या एज अ यूट्यूबर अपना करियर भी बना सकते हैं? यूट्यूबर करियर तो बना सकते हैं, कोई कोई हो जाता है, लेकिन ये एक डेंजरस करियर हो सकता है। लेकिन आप पार्ट टाइम जॉब के लिए कर सकता है और आप एज ए करियर यूट्यूब में चूज नहीं करने से मेरा ठीक है। अगर आपका पास कोई जॉब नहीं है या आपको कोई स्कोप नहीं है या आप पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, तब आप यूट्यूब को एक आपको पार्ट टाइम का जॉब पार्ट टाइम कर सकते हैं। इतना सारा बोलर्स जैसे कि मेरा दोस्त जूनियर है, वर्ल्ड का रिनोन ट्रैवलर है, मेरा जूनियर एक जूनियर है यूट्यूबर है, वो जो दुनिया पर घूमते हैं वो लोग अभी 16-17 लाख सब्सक्राइबर हो गया, तो वो लोग का मंथली इनकम भी बहुत 7-8 लाख में होता है हमको बताया था। तब इसी होने से आप करियर में तौर पर भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आप लॉन्ग लाइफ नहीं चलेगा, क्योंकि आपको उसका साइड में दूसरा बिजनेस या दूसरा चीज़ का काम साथ साथ में आप ले जा सकते हैं।
है। अगर आप जॉब करते हैं भी तो उसको टाइम पास या आपका पार्ट टाइम का बेसिस पर आपका जॉब का फ्री टाइम में आप करके एक्स्ट्रा पैसा कमा सकता है। ऐसे तो आप स्टूडेंट है, यंग लड़का है, अगर आप लोग जो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो आप ज़्यादा अपना स्टडी में या अपना करियर में फोकस करना है, यूट्यूब को आप अभी मत देखिए। अगर आपके पास हाँ हम पढ़ाई में ठीक नहीं है या हम मेरा पढ़ाई से जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम कहीं भी स्किल एग्जाम में आपको नहीं हो पा रहा है बोलने से आप यूट्यूब में आपको पूल लगा है। सिर्फ यूट्यूब बोल के भी नहीं, मैं आपको बताऊँगा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि मोबाइल ऐप वेबसाइट बनाने के लिए कोई इंजीनियरिंग का कोई जरूरी नहीं पड़ता है, वो भी आप सीख सकता है उसमें ऑनलाइन। महीना को 3,000 रुपया पड़ता है। जैसे हम प्रमोशन नहीं कर रहे लेकिन हम सीखा है, हम भी सीखा है लेकिन मेरा टाइम नहीं होने कारण सीखना। जैसे scrimba.com में, scrimba.com बोल के है और skill.com है, उसमें जाके आप सीख सकते हैं। हम अरुणाचली युवा को यही अरुणाचल में जो भी FM जो आपको इस माध्यम से जो ARR से सुन रहे हैं, मैं यही बताया कि आप ऑनलाइन स्किल सीखिए। अगर स्किल सीखिए और एक्सलेंस के पीछे जाइए, अगर आप पैसा के पीछे भागेगा तो कभी कामयाब नहीं होगा। आप स्किल और आपका एक्सलेंस के पीछे भागिए। अगर आपको बोलना हो आपका सबसे मनपसंद यूट्यूबर्स या यूट्यूबर कौन है तो आप क्या कहेंगे? अरुणाचल का कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा तो मैं अरुणाचल का सभी यूट्यूबर को मैं सपोर्ट करता है और सभी को मैं हम पता है कि यूट्यूबर के लिए वाचिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है और इसलिए हम यूट्यूब को मेरा मोबाइल दो तीन मोबाइल है, एक कंप्यूटर है, तब उसमें हम सबका यूट्यूब चैनल को जैसे कि लेंजन करकायमचा सभी का जो मिस नो वन और ये सभी का पेज को वीडियो को हम प्ले कर देता हूँ। सभी को वीडियो को हम प्ले करके जब भी वीडियो नया वीडियो आता है मैं प्ले कर देता हूँ। कोई लोग तो डिवोशन से कर रहा है इसके लिए मैं पूरा पूल पे कर देता हूँ लेकिन ऐसे पर्टिकुलर मेरा पेंस बोल के नहीं है। लेकिन हम इसे यूट्यूब देखता है जो ध्रुव ब्रादरी जो हमारे जर्मन में रहता है जो इंडिया में जो पॉलिटिकल एनालाइजर है जो वीडियो बनाता है इसके बाद और दूसरा एक यूट्यूब है हम इंडिया में का कॉन्टेक्स्ट में रविश कुमार और ऐसे कुछ मीडिया जर्नलिस्ट है इसको मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ। तो डॉक्टर मुरा आपने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें बताई लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हो जाती है कभी कभी आप विवादित भी हो जाते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से हैंडल करते हैं? इसके लिए मैं हम किसी को हर्ट करते हैं तो आपका एयर का मीडियम के जरिए मैं सॉरी मांगते हैं क्योंकि मैं भी एक इंसान है, साइकोलॉजी का मैं भी जानता है। हम भी नहीं सोचते कभी दूसरा का विवाह में नहीं आ जाए, कंट्रोवर्सी में नहीं आ जाए, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम वो भी अचानक से गुस्सा हो जाता है, अचानक से मीन्स मूड मेरे जैसे मूड खराब समय में ऐसे सिचुएशन आ जाता है तब हम भी ऐसे हो जाते हैं। मीन्स वो आदमी का ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर को हाँ हम जितना हो सके कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि हम भी जितना हो सके हम सो क्विकली हम रियलाइज करते हैं कि ये गलती हो गया बोलने से, मैं क्विकली हम अप्रोच मांग लेते हैं क्योंकि अप्रोच मांगना किसी के पैर में झुकना हम गलत किया तो उसके सामने हम चौथा नहीं बन रहे, जो हम अपना को कुछ अप्रोच कर रहे हैं मेरे गलती को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, गलत कर दिया तो हम अपना गलती को जो कन्विंस कर रहे हैं हम मान रहे तो वो दुनिया का सबसे बड़ा होता है। उसमें ऐसे होते हैं अगर हम ईगो नहीं होगा तो ईगो जो होता है ईगो का पॉइंट में मैं एक बात करते हैं, ईगो जो हमेशा हमें आदमी को नीचे ले जाता है ईगो, इसलिए ईगोस्टिक नहीं होगा, ईगो को हमेशा कंट्रोल रखना है। अगर ईगो को जब कंट्रोल रखेगा तो आप फैमिली फ्रेंड और आपका सोसाइटी और कम्युनिटी में और शांत होगा आपका कभी जो सोशल इशू समस्या जिसे नहीं आएगा। इसलिए हम आप लोग सबको एडवाइस करते हैं ईगो कंट्रोल कीजिए और आप गलती किया तो मेरे जैसे सबके सामने झुक के माफ मांगिए। ऐसे डॉक्टर आपने कोविड के टाइम में बहुत सारा काम भी किया तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानना चाहेंगे। हाँ मैं कोविड के समय में बहुत काम किया, चिंपू में भी ड्यूटी किया और कोविड में मेरा भी कंट्रोवर्सी हो गया था, हम बोला था उसको बहुत हमको सीनियर ऑफिसर लोग भी हमको थोड़ा सजेस्ट किया ऐसे मत बोलो बोलकर कोविड, हम बोला था कि कोविड इतना डेंजरस बीमार नहीं है बोलकर हम ऐसे बोला था लेकिन वो कुछ हद तक तो मेरा इसमें हमको उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गया। इसलिए मैं सॉरी चाहता है लोग को जो बोला है मेरा स्पेशली जो एयर का मीडियम हम लोग जो सुन रहे हैं कोविड में जैसे कि हम लोग का स्पेशली डॉक्टर लोग का ड्यूटी बहुत टफ हो गया था कोविड में, जैसे कि आप PPT पहनना, पूरा कपड़ों को बंद करना, कौन डॉक्टर है कौन नर्स है कौन पेशेंट है नहीं पहचान पाता है, तब ऐसे गर्मी हो जाती है कि बदन एलर्जी हो जाता है, रात दिन 24 आवर्स ड्यूटी करना पड़ा है। और इसके बाद कोविड से निकलने के बाद कोई हमको ट्रिम्स में ट्रांसफर कर गया था, फिर ट्रिम्स में पूरा हॉस्पिटल में सिर्फ एक डॉक्टर कंट्रोल, सर्जरी से मेडिसिन आईसीयू में सिर्फ एक डॉक्टर और कैशुअल्टी में एक डॉक्टर, बाकी वार्ड को सिंगल डॉक्टर कंट्रोल किया है हम लोग, सिंगल डॉक्टर 24 आवर्स के लिए पूरा काम किया हैंडल किया है। तब उसमें कोविड से बहुत सबसे वन ऑफ द हॉरिबल एक्सपीरियंस था और ये भी कुछ है कि हम बींग मेरा स्किल को
यूज करके मैं दूसरा को पब्लिक को सर्व कर पाया। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है डॉक्टर को साथ में जब पेशेंट का अटेंडेंट के साथ जैसे बेबाब हथापाई भी हो जाता है, सिचुएशन भी आ जाता है, क्योंकि हमको समझता है कि पेशेंट का अटेंडेंट जब पेशेंट कभी कभी जो आप कैसुअल्टी में ड्यूटी करता है जो पेशेंट एक्सीडेंट होने वाला है कभी कभी पल्स को चेक करने से ऑलरेडी मर चुका होता है, तब इस केस में पेशेंट का अटेंडेंट जो अटेंडेंट साथ में आता है वो एग्रेसिव हो जाता है, जल्दी करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा बोलता है। समझिए हॉस्पिटल का भी एक प्रोसीडर होता है उसमें, और क्या क्या करना चाहिए, क्या जो हॉस्पिटल और फैसिलिटी और हमारा ट्रीम्स अभी डेवलपिंग स्टेज में है वो फैसिलिटी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से डॉक्टर लोग पूरा ये जो जी जंग लगाता है जितना हो सके पेशेंट को बचाने के लिए और अच्छा सर्व करने के लिए। और थोड़ा सा एक बात में नर्स लोग को ऊपर भी थोड़ा बात करना चाहूँगा, ट्रीम्स में और आरके में सब लोग कंप्लेन होता है कि नर्स लोग जो स्टाफ नर्स लोग जो नर्सिंग ऑफिसर लोग जो हमेशा वो लोग रूद होता है बोल के, वो लोग ओवर एटीट्यूड है बोल के हमको सब लोग हमको मैसेज करते हैं इसके बारे में कुछ बोलो बोल के। नर्स लोग को भी आप देखो ड्यूटी बहुत टफ है, ड्यूटी टफ के कारण से वो लोग सुबह से शाम तक वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, रात भर ड्यूटी कर रहे हैं। अब सेम चीज़ को अब बोलते रहता है, सेम कंप्लेन को हर आदमी आपको वही सेम कंप्लेन रहता है, तब लोग सुन सुन को लोग कभी थोड़ा दिमाग खराब हो जाते हैं, मैं इरिटेट हो जाता है। इसलिए वो लोग जैसे कि आप सुबह से शाम तक आप हैंडसम है आप ब्यूटीफुल सुंदर है बोलते हैं, आपको दिमाग खराब हो जाएगा, इस तरह उसमें ये सिचुएशन होता है। और डॉक्टर का भी हुई हालत है उसमें जो रोज़ सुबह से 24 आवर्स ड्यूटी 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद और कभी कभी पेशेंट का अटेंडेंस है अभी अब घुसता है अब से पहले दूसरा पेशेंट अटेंडेंट के साथ वो लोग थोड़ा से हथापाइया थोड़ा आर्गूमेंट भी हुआ होगा, तब वो ह्यूमन नेचर हो जाता है, तब आप नेक्स्ट में आप बोलता है तो नेक्स्ट में आप अचानक आप मालूम नहीं उसको पहले का उसका पहले का बैकग्राउंड का जस्ट पहले क्या हुआ था, तब ऐसे होने से आप अचानक बोल के ये पूछने से और कभी इरिटेटिंग होगा, कभी कभी इरिटेटिंग से जवाब देने। इसलिए आप लोग का पब्लिक का कोऑपरेशन और जरूरी है और पेशेंट का लाइफ बचाने के लिए और अच्छा से एफिशिएंट काम करने के लिए मैं आप लोग को पब्लिक को यही अपील करना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल माने से आप लोग पेशेंट रहे और हॉस्पिटल का मेडिकल जो वहाँ का जो ओसीपी ऑपरेशन प्रोसीजर को आप लोग फॉलो कीजिए। थोड़ी देर पहले जैसे आपने कहा था कि एज ए यूट्यूबर लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बताएंगे कि आपने पहला जो आपने यूट्यूब की कमाई की थी कितना था? यूट्यूब में तो एक्जैक्टली मेरा यूट्यूब में सिर्फ अभी आया था 8-9,000 ऐसे आया था, आजकल आया कि नहीं मैं पता नहीं, क्योंकि मेरा एक वो अकाउंट जो यूज करता हम SBM स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का एक बैंक अकाउंट बना कर रखा है तब उसी में आता है। और फेसबुक में कभी 9,000 आता है कभी 10,000 आता है, कभी तक हाइस आया है 19,000 उससे ऊपर नहीं आया है, वो भी वो रेगुलर बेसिस में आता है। आप वीडियो आपका वीडियो बनाते हैं नया वीडियो बनाते हैं ज़्यादा कंटिन्यू चलता है तभी आता है, नहीं तो कभी कभी नहीं भी आता है। और ज़्यादातर मेरे वीडियो में जो सॉन्ग यूज करता है बाहर का सॉन्ग यूज करता है बैकग्राउंड यूज करता है इसलिए मोनेटाइज भी नहीं हो पाता है। इसलिए जो आप अच्छे से वीडियो बनाएगा आपका एडिटिंग स्किल अच्छा होगा और आप उसमें कंटेंट पर ध्यान देगा और रेगुलर वीडियो बनाएगा तो जरूर आपका इनकम अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको 70-80,000 तो महीना को आ ही जाएगा। हमको ऐसे क्योंकि मेरा वीडियो जो होता है फेसबुक में स्ट्रीमिंग ज्यादा होता है यूट्यूब में कम वीडियो आता है, पर भी ऐसे 8-9,000 आ जाता है, उससे हमको पता चलता है कि ज्यादा जो ध्यान से जो करता है ज्यादा व्यूअर ऑडियंस ज्यादा है इसके लिए अच्छा पैसा कमा सकता है। तो फेसबुक की बात कहें या हम यूट्यूब की बात कहें, जो कुछ कमेंट्स होते हैं कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कुछ पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, उस कमेंट्स के बारे में कुछ कहेंगे कि आपने सबसे अच्छा कमेंट्स अब तक का कौन सा था या तो सबसे बुरा कमेंट्स कौन सा था? कमेंट तो सबसे ज़्यादातर 99% लोग जो अच्छे कमेंट करता है, कुछ कुछ लोग तो जो पर्सनल अटैक होता है। शुरू में तो मैं सोचता था मैं भी गुस्सा होता था ऐसे कमेंट किया वाला क्या कैसे हमको तुम लड़की जैसे देखता है, कोई बोलता है तुम लड़की जैसे चेहरा लड़की जैसे वो ऐसे बहुत कुछ बोलता है। शुरू में तो ऐसे हमको भी गुस्सा होता था थोड़ा गुस्सा होता था हम एक पैर दे देगा, लेकिन बाद में जाके पता चला है कि ये एक तो जो नेगेटिव लोग को अवॉइड करना है, नेगेटिव को आप रिप्लाई करते रहेगा तो आपको ऊपर भी नेगेटिव आ जाएगा बढ़ जाएगा, इसलिए नेगेटिव को हम हमेशा अवॉइड करना है और जो पॉजिटिव कमेंट को लेना है। नहीं तो पॉजिटिव कमेंट सभी के सभी कमेंट मेरे तरफ से बहुत अच्छा लगा है, ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट ही मिलता है। तो डॉक्टर अंत में आप हमारे सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? ये स्टूडियो वालों को पहली बार मैं ये स्टूडियो में आया हम पहली बार आए बहुत अच्छा लगा, स्टूडियो में इतना सारा मशीनरी है इतना सारा सिस्टम है इतना बड़ा बड़ा जगह है, हम फर्स्ट टाइम आए, जैसे कि बचपन से जो लोकल सॉन्ग हिंदी सॉन्ग ये सब सुनता था वो स्टूडियो में हम पहली बार आया, इसलिए आज मैं स्पेशली मेरा इसमें हम कुछ नाम ले जो लिपो तले था जो अधिक न्यूज बोलता है जो निशी का अकुम रिपो बबला और राजब राय वो लोग का स्टूडियो जो जहाँ पे बैठ कर वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करते हैं हम लोग के लिए वो जगह को हम
आज देखना चाहते हैं। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और एक यूट्यूबर के रूप में और साथ ही एक डॉक्टर के रूप में अपने बारे में इतनी सारी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू मोस्ट वेलकम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान थे एक डॉक्टर, एक यूट्यूबर और फेसबुक लाइव स्ट्रीमर डॉक्टर मेदी मरा। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और नए इंटरेस्टिंग मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।